मैं डॉक्टर आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है कैलोइड टोटल एक्सीजन प्लस स्किन ग्राफ्ट। दोस्तों, कैलोइड ऐसी गांठ होती है जो बॉडी की रिस्पॉन्स है हाइपरट्रॉफी से, माने घाव रिपेयर होके चमड़ी लेवल हो जाने के बदले में काफी ऊंचा गांठ जैसा हो जाता है। दोस्तों, लोग ऐसा मानते हैं कि कैलोइड की सर्जरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये वापस से हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। एक हद तक ये सही है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक सर्जरी का प्रयोग करते हैं और अगर आपने कैलोइड का ट्रीटमेंट करवाया है तो वो काफी हद तक आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा दे सकता है। जैसे कि आज का टॉपिक है कि कैलोइड एक्सिजन और स्किन ग्राफ्टिंग, माने कैलोइड होने के जो सबसे मेन कारण है कि टेंशन स्किन लाइन, जहाँ पे घाव है वहां पे टेंशन, तो अगर आप वो टेंशन निकाल देते हैं तो कैलोइड होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी में हम ये कैलोइड को पूरा का पूरा निकाल देते हैं और उसके बदले में कहीं और से लेके चमड़ी लगा देते हैं। चमड़ी लगाने से अगर आप सोच सकते हैं कि घाव को आपने इतना कैलोइड है और ये कैलोइड निकालने के बाद अगर घाव को आपने खींच के बंद किया तो ये लाइन पे वापस से टेंशन आ सकती है। लेकिन अगर आप ये चमड़ी को ऐसे ही रखते हैं और बीच में नया चमड़ी लगा देते हैं तो ये घाव पे टेंशन नहीं बनता है, और अगर टेंशन नहीं बनता है तो कैलोइड भी नहीं बनता है। तो कैलोइड नहीं बनने के लिए आपको जो भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है वो स्किन ग्राफ्ट रख के आप कर सकते हैं। एरिया बड़ा है तो आप पतला स्किन लगा सकते हैं, छोटा एरिया है तो आप जो पूरी स्किन की थिकनेस भी लगा सकते हैं। एलिगेंस क्लिनिक में हम ये ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से सक्सेसफुली करते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको ये प्रोसीजर के एंड ये वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। ये प्रोसीजर के साथ में आपको इंजेक्शन या लेजर ऐसी थेरापीज भी करनी पड़ती है, और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।